हाय गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने एक्सेल में मौजूद नंबर्स को न्यूमेरिक में किस तरह से टैक्स ऐड कर सकते हैं और उस टैक्स को ऐड करने के बाद उनका असर सम पर भी पड़ेगा। अमूमन होता यूँ है कि हम कुछ नंबर्स का सम करने जब जाते हैं तो सम तो उनका हो जाता है। देखिए, जहाँ जिस तरह मैं यहाँ पर सम कर रहा हूँ, लेकिन इशू ये होता है कि जैसे ही मैं उसमें टैक्स ऐड करूँगा, कोई हम लोग टैक्स ऐड करेंगे वन के साथ, कोई न्यूमेरिक के साथ टैक्स ऐड करेंगे, तो वो सम में से हट जाते हैं, मतलब सम में उनका शुमार नहीं होता। फिर तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है एक्सेल की, और वो ट्रिक ये है कि हम ये देखें, पहले तो मैं एक नंबर उतार लेता हूँ। ये हम बिफोर टैक्स, बिफोर न्यूमेरिक जो है ना, नंबर से पहले टैक्स आपको दिखाएंगे, लिखना कि कैसे जी नंबर से पहले टैक्स लिख सकते हैं हम। सिंपल आपने करना है, उसके बाद को पूरा सिलेक्ट कर लेना है, होल लाइन को सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है, फिर फॉर्मेट सेल में आना है, फॉर्मेट सेल में आना है कस्टम में। कस्टम में आने के बाद आपको यहीं पर एक नज़र आ रहा है, इधर आपने जनरल टाइप में ही रहते हुए इस पर लिखना है, ये देखिए इस तरह इन्वर्टेड कॉमास के साथ आपने अपने टैक्स को ऐड करना है, और उसके आगे न्यूमेरिक को मेंशन करने के लिए ज़ीरो ऐड कर देना है। तो आप देखेंगे रिजल्ट भी आपको जो है ऊपर आ रहा है इसमें साथ साथ, देखेंगे। इस तरह करने के बाद आपने इसको ऐड कर दिया। अब ऐड करने का दाव यहाँ ओके कर देंगे तो आप ये देखें, यहाँ पर आपके टैक्स जो है वो न्यूमेरिक से पहले शो हो गया। अब आप इसमें कुछ भी चेंज करते रहें, कोई इशू नहीं, सम ऑटोमेटिक उसके साथ साथ चेंज होता रहेगा। आप सिलेक्टेड फीचर्स को भी कर, सिलेक्टेड नंबर्स को भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के। अब बारी है जनाब बाद में टैक्स कैसे डाला जाए, तो उसका भी बहुत आसान तरीका है। हम पहले नंबर ऐड कर लेते हैं, बहुत सारे कुछ भी नंबर। अब आपने सिलेक्शन दी इसको उसी तरह सेम, सिलेक्शन देने के बाद आपने राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, कस्टम में आके जी उसी जगह आके आपने इधर ऐड करना है। अच्छा, इसमें ऐड आपको पहले ज़ीरो लिखना होगा, क्योंकि ज़ीरो के बाद आपने टैक्स ऐड करना है, और ज़ीरो लिखने के बाद आपने इन्वर्टेड कॉमा लगा के जो भी मैंने डजन लिखा है यहाँ पर, तो ये आपने इस तरह लिख देना है। आप वेट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह आपका ये भी रेडी हो गया। अब आप इसमें कुछ भी एडिट करते रहें, इसको कोई फर्क नहीं पड़ना है, इसमें सम होता रहेगा। सिलेक्टेड ऑप्शन को भी आप कर सकते हैं, जैसे आप मतलब मैंने सेक्शन सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में आया, उसी तरह सारा उस चीज़ दोहराया, और उसमें मैंने कुछ भी ऐड कर दिया कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहते हुए, लेकिन तो आप ये देखेंगे इधर भी आ जाएगा। इसी तरह आप दोनों तरफ भी कर सकते हैं, बीच में जीरो रखें और दोनों तरफ इन्वर्टेड कॉमास लगा के वैल्यूज, जो भी टैक्स की वैल्यूज ऐड करनी हो वो ऐड कर दें, तो वो आपके टैक्स, आपके सम को बगैर इफेक्ट किए हुए, किसी फार्मूले को बगैर इफेक्ट किए हुए वो शामिल हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।